चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली थ्योरीज, इसमें देखते हैं। ओके, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारा फेनोमेना ऑफ लाइट सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन, इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया है किसमें, वेव थ्योरी में। बट द वेव थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द अदर फेनोमेना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कॉम्प्टन इफेक्ट। ओके, दिस फेनोमेना कुड बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाई द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू व्हेन द एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नॉट बट इट इज डिस्क्रीट एंड लाइट इज इन फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी विच आर कॉल्ड फोटॉन्स। ओके, फोटॉन्स। दस बोथ फोटोन थ्योरी एंड वेव थ्योरी आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन ऑल द लाइट फिनोमेना। द लाइट हैज द डुअल नेचर। ओके, लाइट हैज द डुअल नेचर, द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, दैट इज फोटोन नेचर। ओके, दिस इज द सिंपल थ्योरी। ओके, आज हमको देखना है किसमें, डी ब्रोगली थ्योरी। ये आपका कौन सा थ्योरी जो है वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन अच्छे से किया और कौन सा जो है पार्टिकल ने एक्सप्लेन किया, है ना, पार्टिकल थ्योरी और वेव। तो लाइट हम बोल रहे हैं क्या, हमारा डुअल नेचर है, डुअल नेचर लाइट शो करता है। ठीक है, तो हमको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए याद रखिएगा, इन 1924 लुइस डी ब्रोगली दैट जस्ट लाइट हैज अ डुअल नेचर। ओके, लाइट कौन सा नेचर शो करेगा, डुअल नेचर। कौन कौन सा, एक हमारा वेव नेचर एंड अदर इज पार्टिकल नेचर, अदर इज व्हाट, पार्टिकल नेचर। ओके, हैज अ डुअल नेचर इन द सेम वे द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल आर फॉर्म्ड इन द मैटर आर कॉल्ड व्हाट, डी ब्रोगली थ्योरी और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डेफिनेशन क्लियर है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, यही समझना है आपको कि डुअल नेचर, सबसे पहले चीज़ तो आपको वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी को समझ में आना चाहिए। वेव थ्योरी में कौन से एक्सप्लेन किया गया है और पार्टिकल थ्योरी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, यहाँ पर अपन समझ लेंगे। तो यहाँ पर 1924 में लुइस डी ब्रोगली ने, है ना, इस फेनोमेना को अच्छे से समझाया है और क्या क्या फॉर दिस बहुत अच्छे इन्वेंशन के लिए बताया है। और लुइस डी ब्रोगली को नोबल प्राइज मिला है कब, फिजिक्स के फील्ड में, इन 1929। ये देखिएगा, ही टोल्ड दैट व्हेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन एटम्स मूव, दे हैव अ वेव लाइक नेचर। ओके, ये तो हमारा सिंपल डेफिनेशन पार्ट था। अब इसका डेरिवेशन पार्ट देखते हैं कि डी ब्रोगली में क्या रिलेशन ऐसे बताया गया वेवलेंथ, मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट के बीच में, है ना। प्लैंक कांस्टेंट, वेव थ्योरी जो है हमारा इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रेक्शन हो गया, है ना, इसके थ्योरी को अच्छा समझाया गया। बट जैसे हमारा कॉम्प्टन इफेक्ट हो गया, है ना, कॉम्प्टन इफेक्ट हो गया, इमिशन हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, इसके कॉन्सेप्ट को फोटोन थ्योरी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो डी ब्रोगली साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। इसका हम देखते हैं, प्लैंक थ्योरी में हम इजीली जानते हैं क्या है, E इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू, E इज इक्वल टू व्हाट, एच न्यू, है ना। मेंशन हियर दिस वन इज व्हाट, फर्स्ट इक्वेशन एंड आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी। ओके, आइंस्टीन रिलेटिविटी, वी दिस इज फेमस इक्वेशन इन योर 9th, 10th, 11th क्लास। ओके, ऑल्सो इन BSc लेवल, बट वी आर इन MSc। ओके, ये हम जानते हैं, E इज इक्वल टू वॉट, MC² वेयर E इज वॉट, एनर्जी, E इज वॉट, एनर्जी। ओके, M इज वॉट, मास। ओके, E इज वॉट, मास, एंड C इज वॉट, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ C, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, ओके, एंड वेयर एच इज वॉट, हियर इक्वेशन फर्स्ट, एच इज वॉट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट,
प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? 6.6 × 10⁻³⁴. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एच? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड. क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? एंड पेयर न्यू इज व्हाट? ये न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी. न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन. ओके, ई एच न्यू ई एम सी. एवरीबॉडी इज क्लियर? एवरी टर्मिनोलॉजी इज क्लियर? ओके, नाउ वी आर क्लियर. बोथ एनर्जी आर सेम. ओके, इज एच न्यू एंड इज वॉट? एम सी स्क्वेयर. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू. ओके, बोथ एच न्यू इज इक्वल टू वॉट? इसको ऐसे करते हैं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? एच न्यू. ओके, दोनों एनर्जी के बराबर है, तो उसको क्या कर दिए हम लोग? बराबर कर दिए. देखिए, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ न्यू इज वॉट? क्या होता है? सी बाई लैम्डा. सी बाई लैम्डा, लैम्डा इज वॉट? वेवलेंथ. हियर लैम्डा इज वॉट? वेवलेंथ. ओके, हियर लैम्डा इज वॉट? वेवलेंथ. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यू, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. स्क्वायर एंड सी कैंसिल आउट. व्हाट इज द रिमेनिंग फैक्टर? एम सी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा. ओके, नाउ लैम्डा को यहां ले आइए. लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? एच अपॉन एम सी. ओके, नाउ रिप्लेसिंग द वैल्यू, नॉट अ वैल्यू, इन प्लेस ऑफ सी वी आर यूजिंग V. ओके, ओके, नाउ द इक्वेशन थर्ड इज व्हाट? वी गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एच इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? एच अपॉन वी. ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. वेल नोन इक्वेशन, पी इज इक्वल टू वॉट? एम वी. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. नाउ दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू वॉट? एच अपॉन पी. ओके, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है? वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन व्हाट? मोमेंटम. वन अपॉन मोमेंटम. ओके, वन अपॉन मोमेंटम. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली इक्वेशन. ओके, क्लियर? इसको सॉर्ट आउट करके हम और क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी, और पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैम्डा. बोथ इक्वेशन इज करेक्ट. बोथ इक्वेशन इज करेक्ट. वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, बोथ आर करेक्ट. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस डी ब्रोगली थ्योरी. ओके, इसके हाइपोथेसिस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. ठीक है, इतना कहीं पास कोई दिक्कत यहाँ पास बनाने में, ये कैलकुलेशन वगैरह किसी कोई दिक्कत? सुनीता, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, डी ब्रोगली को समझाना है तो पहले आप वेव थ्योरी को पकड़ लीजिए. वेव थ्योरी को कौन कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर रहा है, और
कौन सा पार्टिकल कर रहा है और कौन दोनों को कर रहा है, इस थ्योरी को आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप आइए डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो ये लुइस डी ब्रोगली साहब ने किया था, कब किया था, 1924 में, है ना। ये लाइट के ड्यूअल नेचर को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, है ना। और इसी इन्वेंशन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है, कब, 1929 में। और इन्होंने कहा कि व्हेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड इवन एटम मूव दे हैव अ वेव लाइक नेचर। ओके, नाउ हम दो इक्वेशन को लेंगे, इक्वेशन प्लैंक्स थ्योरी एंड रिलेटिविटी थ्योरी। इज इक्वल टू एच न्यू, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, है ना। व्हाट इज ई, इज एनर्जी, एम इज मास, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एच इज वॉट, प्लैंक कॉन्स्टेंट, 6.6 × 10⁻³⁴ केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ओके, एंड न्यू इज वॉट, फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन, एंड नाउ इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू, हियर एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू वॉट, सी बाई लेमडा। ओके, करेक्ट ना, यहाँ पास कोई चीज गलत नहीं हो रहा है। यहाँ से ये काट दिए, ठीक है, ये हम जानते हैं, इस वैल्यू को इन्यू की जगह रख दिए, यहाँ पास रख दिए, क्या हो गया हमारा, सी बाई लेमडा। सी बाई लेमडा में एम सी, सी सी स्क्वायर से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। ओके, नाउ इसको हम क्या कर देंगे, नीचे ले आएंगे, लेमडा को क्या लेंगे, ऊपर, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी हम पुट कर देंगे इसके, वेलोसिटी आप कहा जाता है कई बार, ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वी हम जानते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी ये हम जानते हैं। ओके, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पी की जगह एम वी। ओके, अब इसका इक्वेशन हम बता सकते हैं, इसको एच को क्या हमारा कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखे, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन मोमेंटम, या दो प्रकार से लिख सकते हैं, वेवलेंथ इज इक्वल टू या फिर मोमेंटम इक्वेशन। ओके, ये हमारा क्या हो रहा, डी ब्रोगली थ्योरी और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। कोई डाउट, ठीक, थैंक यू क्लास।